let it bang bang. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to TCS Learning. In this video, we will discuss about the OPSC mains 2016 paper, GS paper 1. The question is Dandakaranya Development Authority. So this was a 5 marker question. We will discuss about this question in detail. So dekho to Dandakaranya kono first. See, where Dandakaranya is situated? It is Dandakaranya achi apanangar Odisha re, Chhattisgarh kichira part re, Madhya Pradesh ra, Maharashtra ra, ebong Andhra Pradesh ra kichira part re Dandakaranya region achi. तो या विषय आम डिटेल डिस्कस करवा दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन. सो यू कैन सी द फिगर, इट इज वेरी ब्यूटीफुल फिगर, बहुत सुंदर देखा जाए. या विषय आम डिस्कस करवा कौन कौन रिवेलियन कौन सब होता डिटेल पूरा डिस्कस करवा. सो लेट स्टार्ट. लेट मी टेल यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट, सो दैट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ वीडियोस व्वेन यू प्रेस द बेल आइकन. जब आप बेल आइकन को दबाई देते हैं आपको एमती वीडियो गुड़ा मिल जाए जोटा कि ओपीएससी मेन्स एग्जाम या फिर एज वेल एज प्रिलिम्स भी बहुत सारा काम आसो. ओडिशा जीके जो सब एग्जाम आसी था से सब एग्जाम बहुत काम आसो. नाउ लेट स्टार्ट. देखो ओडिशा रा प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दंडकानन प्रोजेक्ट भी बहुत इंपोर्टेंस अच्छी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1958 रे डेवलप करते सेटअप करते गोटे दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए रा सेटअप करते जहाँ विषय कि एक क्वेश्चन पचार दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप होता 1958. नाउ टू एक्सपेडाइट द वर्क ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एवकर जो बांग्लादेश अच्छी से जो रिफ्यूजी मैंने आसुले ओडिशा को एवं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को आसुले जोटा कि आम ये देखिले से ही सब जगार रिफ्यूजी मानक रिहैबिलिटेट करने दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी निर्माण कर. नाउ आउट ऑफ द 4 जोन्स ऑफ दंडकारण्य 2 जोन्स नेमली मालकानगिरी एंड उमरकोट जोटा कि एबिकार मालकानगिरी एवं नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट अच्छी से ओल्ड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट किंतु एबे मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट अच्छी और उमरकोटा नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट अच्छी. आपड़ मैप्रे देखिपारे कौटी अच्छी ये आप मैप्रे आप देखिपर देखो ये आप देखिपर यू कैन सी हियर इन दिस मैप ये आप मालकानगिरी एटा नवरंगपुर ये मैप्रे आप रिलेट करेंगे. देखो ये आपर कौन अच्छी ये आप मालकानगिरी ये नवरंगपुर कि पार्ट अच्छी जो थे कि ये डिस्प्यूट चलता से टाइम मैंने रेफ्यूजी मैंने आसिक रोते तो ये प्रोजेक्टा डेवलप कराई था 4 जोन भितर 2टा ओडिशा रे थिला. नाउ देन दिस कंडागांव एंड पारुलकोट जोन मध्यप्रदेश अच्छे 2टा. ना ओडिशा कौन गला से टाइम ओडिशा 48,448 हेक्टर लैंड को रिक्लेम कला. मध्यप्रदेश 24,456 हेक्टर लैंड ऑफ रामायणन फेम वर्जिन फॉरेस्ट ऑफ दंडकारण्य रीजन को से रिक्लेम रिसेटलमेंट कराला डिस्प्लेस फैमिली जो मैंने कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश आसी तो सैटा कौटी अच्छी ये देखो ये फिगर देखो एमती रीजन बहुत सारा अच्छी तो एमती किसी रीजन को सी रिक्लेम कराला मैंने पोती दिहला सो दैट लैंड डेवलप कले सेना घर तैयारी तो सी एमती सब रिवर पाखापाखि सराउंडिंग एरिया जंगल एरिया को काटिक से जगह को रिक्लेम कराला से जनबसा स्थापन कराला जो लोक मैंने बांग्लादेश आसी. Now, of the total area released, 30,000 hectares have been reclaimed and brought under the plow. Now, Odisha got 0.008 million hectares and that is 25% of the reclaimed area for allotment of landless Adivasis of Dandakaranya, where many tribal, new tribal villages were set up. Now, villages in this region carefully plan karayala, each village 40 to 60 family ko rakhayala, each village provided facilities such as tanko tank diyala, deep masonry well diyala, दुईटारु अधिक ट्यूबवेल दिहला इंटरनल एप्रोच रोड दिहला प्राइमरी स्कूल सेटअप कराला आहरी बहुत सारा सुविधा कराला एवरी विलेज इज विदिन रीच ऑफ दिस मेडिकल यूनिट गोटे मेडिकल यूनिट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पाखर रखाला लाइब्रेरी कम पब्लिक फैसिलिटी दिहला गाँव पाखे स्पोर्ट्स एंड गेम्स फैसिलिटी दिहला एनकरेजमेंट करने से लोक ट्राइबल पीपल मानक स्पोर्ट्स प्रति ना इच एग्रीकल्चर फैमिली को अलॉट कराला 664 स्क्वायर मीटर होमस्टेड लैंड दिहला एंड अबाउट 2.4 हेक्टर एग्रीकल्चर लैंड दिहला एंड सच फैमिली गॉट रिसेटलमेंट बेनिफिट्स अप टू 3,345 रुपीज से टाइम दिहला
हाउस बिल्डिंग पे एवं एग्रीकल्चर को प्राक्टिस करिया पे यहाँ छड़ा सब जगह फैमिली को सब्सिडी मध्य दिया प्रथम द्वितीय एवं तृतीय एग्रीकल्चर सीजन 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 पे एंड एट फुल हाफ एंड वन फोर्थ रेट तक रेस्पेक्टिवली लोन मध्य दिया कम इंटरेस्ट नॉन एग्रीकल्चरल फैमिली जितकी भी थे रिहैबिलिटेट कराला ये विलेज गुड़ाक सेमी अर्बन एरियाज रे एवं अर्बन एरियाज रे मध्य एग्रीकल्चरल फैमिली थिले तांको मध्ये 2 हेक्टर लैंड दिया एवं होम स्ट्रीट प्लॉट तांको 664 स्क्वायर मीटर तांको भी दिया हला एवं तांको भी लोन 3510 रुपीज रो लोन दिया हला कम रेट रे सो दैट से ट्रेड वगैरह करि परिबे बिकॉज़ से एग्रीकल्चर करनथले ट्रेड करिया पे तांको एतिकी लोन दिया हला अर्बन एवं सेमी अर्बन एरिया रे जोटी एग्रीकल्चर लैंड किसी दिया ही नथिला से लोक मानको तो जितने घर कंस्ट्रक्शन कराला सफिसीयंट एरिया स्टिल बची जाइला विच कैन बी यूटिलाइज फॉर किचन गार्डनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आउट हाउस तो सेठी से माने तैयारी कले से गुड़ाक न जितेबले डीडीए रो इंसेप्शन लावा स्टार्टिंग हला माने केबे स्टार्टिंग हला डीडीए रो डीडीए रो एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ रहितला 1958 रे तो ता परठू 3957 फैमिली उमरकोट रे जोटा एबे नवरंगपुर रे अछि से जोन रे एवं 5180 फैमिली मालकानगिरी रे अप टू 1972 पर्यंत तांको अलॉट कराला से जगह नाउ माने तांको रिहैबिलिटेट कराला सक्सेसफुली नाउ आफ्टर दिस फ्रेश रिसेटलमेंट हैज ऑलमोस्ट सो टॉप तापरे या परे फ्रेश रिसेटलमेंट आउ हेइनी बिकॉज एतिकी लोक थिले तो सक्सेसफुली तांको रिसेटलमेंट हेइगला तो ट्राइबल पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 61% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 11.71 लाख इन ओल्ड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जोटा कि मलकानगिरी और नवरंगपुर डिवाइड हो जाए ना फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्रेस ट्राइबल पॉपुलेशन एज स्टेटेड अर्लियर डीडीए हैज रिलीज 25% ऑफ रिक्लेम लैंड दैट इज 7669 हेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इतनी लैंड दिया आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी Now, of the total release land, state government had distributed 4,822 hectare among 1,936 families. So, this hectare land was distributed to the family and the village set up. The tank was set up in the was permissible for new tribal settlement of 40 families. Gote village 40 families. Now, if there was no suitable water source, the tank was established. Assistance was $2,600 to this tribal family. सो दैट से ट्रैंक एस्टाब्लीश करेंगे डिस्प्लेस्ड फैमिली को ये 2865 टाँग लेखा दि जाइए से टाइम लोन हिसाब से यहाँ ग्रांट हिसाब से दिया जाता जो से लोक मैंने जो रोते डीडीए रिएम्बर्स कला 36 लाख टू द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्राइबल सेटलमेंट नाउ इट हैज ऑल्सो फाइनेंस द गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन 128 किलोमीटर रोड इन दिस एरिया इतनी आप लिखार बेसी आज जिनस किसी नाई बट फिर भी आपड़ यदि इरीगेशन लिखिदेवे तो ये बस्तर डैम गोटे अच्छी कमांड एरिया तरह 4400 हेक्टर सातीगुड़ा डैम अच्छी तरह मलकानगिरी जोन में पोटेरु स्कीम गोटे लंच कराला जोटा कि इरीगेशन 35200 हेक्टर लैंड को इरीगेट कराला कमांड एरिया 13000 रु मोर अधिक मान 30000 अधिक फैमिली को सेठी रिहैबिलिटेट कराला 2000 आदिवासी फैमिली को सेठी रिहैबिलिटेट कराला नुआ रोड कंस्ट्रक्शन कराला सोशल वर्क सेठी अंडरटेकन कराला एवं बहुत सारा ट्रेनिंग स्कीम हेल्थ इंस्टीट्यूशन मध्ये सेठी डेवलप कराला बेनिफिट दियाला लोकल ट्राइबल लोकंकु ना अदर फैसिलिटी लाइक फ्री एजुकेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल स्कूल बिल्डिंग अलॉटमेंट ऑफ वर्क फॉर ग्रुप लीडर फेयर वेज ए सब मध्ये तांको पई कराला ना रिजर्वेशन अप टू 25% इन क्लास 4 सर्विस मध्ये तांको पई कराला ट्राइबल लोक जोटे से रोते डिस्प्लेस पर्सन गुड़ाक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग द डिफरेंट एथनिक ग्रुप सेटल इन दिस रीजन इज ए हेल्दी एंड हेल्दी ट्रेंड बहुत बढ़िया से खुश हसखुशी मिलमिशिक रहा एंड मेजोरीटी अफ द सेटलर वेर एग्रीकल्चरिस्ट प्राइमरी अकुपेसन अफ द प्रोजेक्ट एरिया वाज एग्रीकल्चर ये प्राइमरली एग्रीकल्चर को कराए इनिशियल स्टेज जोड़ा बांग्लादेश आसी लोक मैंने प्रोब्लेम फेस कले निजक ये अडाप्ट पर धीरे धीरे कि अडाप्ट करदे ये प्लस ये लो प्रेसिपिटेशन होता एज कम्पेयर टू गंगा डेल्टा से तो गंगा डेल्टा रोते तो बहुत प्रेसिपिटेशन रेनफल ठीक ठाक होता तो एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो पार्ला कितु ये जगह प्रेसिपिटेशन कम होगा जो से टे प्रोब्लेम होगा बट धीरे धीरे किडजस्ट करें
this much thing is sufficient to write the answer. And this आउ किसी दरकार नहीं एनिमल हजबेंड्री डायरी पोल्ट्री फिशरी एगुड़ाक भी धीरे धीरे से कले गोटे भक्साल डैम अच्छे उमरकोट जोन जार कमाण्ड एरिया है 5,500 हेक्टर जोटी की 1 crore रुपी कस्ट होता से टाइम 1965 कम्प्लीट होगापी सातीगुड़ा डैम मलकानगिरी अच्छे कमाण्ड एरिया तर 15,000 हेक्टर एवं 2 crore रुपी से लगी कम्प्लीसन यहाँ गोटे ग्रेट रेवल्यूशन देखा मिलला तापर मेलेरिया हाज कम्प्लीटली इराडिकेटेड इन दिस एरिया एंड प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ द पब्लिक हेल्थ इच विलेज इज प्रोवाइडेड प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल जोटा कि मलकानगिरी और अमरकोट जोन में देखा मिले नुआ कलेज एस्टाब्लीश कराई सेटलर ट्राइबल और अदर लोक सन मैंने से ट्रेनिंग पाँच इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन गुड़ाक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लाइन डेवलप कराई से जगह ना ऑल दिस फैक्टर्स एंडेड ओल्ड एज ओल्ड आइसोलेसन फ्रम दंडकारण्य तो एज ओल्ड आइसोलेसन से ना बिकज समस्ते इंडस्ट्री ट्रेनिंग पाँच तो बाहर को जाकि पाठ पढ़ी पार्टी किसी कम करपर एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री से डेवलप कराला इंडस्ट्रियल सेटअप से डेवलप कराला डिफरेन्ट प्रिन्सीपल हैंडिकैप एमंग द प्रिन्सीपल हैंडिकैप विज रिमेन आर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं लोकल मार्केट से आप देखा पाइबे बेसी तो स्मॉल स्केल यूनिट ट्रेनिंग सर्विसिंग प्रोडक्शन सेंटर पर डेवलप कराला ट्रेनिंग वर्क गुड़ाक टॉय मेकिंग वगैरह सर्विस यूनिट गुड़ाक कारपेंट्री वीविंग और प्रोडक्शन यूनिट गुड़ाक टेक्सटाइल सीड मेटल और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट गुड़ाक या नाउ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये स्टार्ट कराला कमेंडेबल रिजल्ट देखा गला बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा गला ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्शन फिगर हैव डबल्ड सिंस 1958 दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोजेक्ट करते स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारा प्रोजेक्ट होती दंडकारण्य रीजन में लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन जोटा होता तथा इट चलती जोटा कि परमानेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर जगार प्लस कलाहांडी बलांगीर डिस्ट्रिक्ट भी बहुत सारा इफेक्ट आमको देखा मिले नाउ Now Odisha is suffering for this RCD settlement program also. This much you have to write. तो किसी drought conditions से problem हो ची लोगों वाले दंडकारण्य project रे deforestation पे problem हो ची एवं सेती पे resettlement program पे एवे भी Odisha suffer कर ची. आमे देखो तो बहुत बड़ी हाँ जिन सोड़ा discuss कर ले but at last आओ किसी government को इसी step नेवा को पड़े वो for their proper resettlement सेती पे यहाँ आप एमती पेसिमिस्टिक न होगी ऑप्टिमिस्टिक नोट्रे आंसर को एंड करेंगे सो दैट इट विल बी वेरी गुड फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर नॉलेज नाउ दिस इज फॉर दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओपीएससी सो स्टे ऑर्डर्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू